किसानों के पक्ष में हम लोगों ने आवाज उठाया है और ये लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि साबित हो चुका है कि धान की जो खरीद MSP के रेट में होना चाहिए। MSP का जो रेट है 1800 रुपए 1868 MSP का MSP मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है आपको उसी रेट में किसानों से खरीदना है। ये सरकार की नीति है। बिहार में दो फसलों पर MSP है लेकिन आज सदन में जब ध्यान आकर्षण लाया गया, ध्यान आकर्षण लाने के बाद सरकार से पूछा गया कि धान की खरीद नहीं हो रही है तो सरकार जो है जवाब देती है कि वो MSP के रेट पे नहीं ले सकते। ये शर्मनाक बात है और ये साबित करता है कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था और बल्कि जो सरकार की जो नीति थी कि भाई MSP पे हम लोगों को धान की खरीद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, ये सरकार ने सदन में स्वीकार कर लिया। कहीं 900 रुपए में, कहीं 1000 रुपए में, कहीं 1100 रुपए में, और जितना धान की खरीद होनी चाहिए पूरे बिहार में वो खरीद नहीं हो पा रही है। उसका 10% भी खरीद बिहार में बिहार सरकार नहीं कर पा रही। MSP का क्या फायदा है? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि और फसलों में भी MSP आए ताकि किसान जिस भुखमरी से, जो अन्नदाता है, जिस परेशानी से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके मेहनत का जो फसलों की जो मिनिमम जो कीमत होनी चाहिए वो उन तक पहुंचे। यानी सरकार ने साबित कर दिया कि पेपर पे कई जगह जो है MSP भी अगर खरीद हो रही है, हकीकत में 1100 रुपए 1000 रुपए में खरीद हो रही, यानी एक बड़ा घोटाला हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस धान के खरीद में हुआ है और हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। और सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण देना, सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैलाएं करें, ये पूरा डिपार्टमेंट में कृषि विभाग में हो रहा है। जब मंत्री ने ये बात कह दिया कि हम MSP में नहीं ले सकते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होना चाहिए, तो मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई MSP के रेट पे लेना है, सरकार के लोग मंत्री खुद कह रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे हैं। कथनी अकड़नी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर दयनीय स्थिति में है, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि MSP पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को जो निकम्मे हैं, जिनसे खरीद नहीं हो पा रहा है MSP पर। यानी ये स्वीकार कर लिया कि जो खरीद उन्होंने की भी है, जो 10% भी नहीं है, यानी वो 10% भी MSP रेट पे नहीं है, ये तो हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं। और आप कहते हो कि किसान आंदोलन ना करें, आप कहते हो कि विपक्ष जो है वो आवाज ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष आवाज? आपकी नीति कुछ और है, आप करने कुछ और है। किसान जो है वो मर रहा है, आत्मदाह की स्थिति पे है, बिहार का किसान मजदूर बन गया, पलायन कर रहा है,
आप क्या भिखारी बनाना चाहते हैं? दूसरी बात, जो बिहार का जो जो क्षमता है, जो धान का या अनाज का जो कंज्यूम हम लोग करते हैं, उसका 10% भी आपने जो है पूर्ति नहीं की है, बिहार सरकार ने खरीद नहीं की है, तो क्या ये अनाज जो बिहार में ऑलरेडी उपलब्ध है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो क्या ये सरकार जो है दूसरे राज्य से लाएगी? जब यहाँ लेगी नहीं इस रेट पर, तो क्या दूसरे राज्य से मंगाएगी? बिहार का पेट कैसे भरेगी? क्या आप बिहार में भुखमरी चाहते हैं? इस जवाब से, ध्यान आकर्षण के जवाब से, तो यही साबित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, धोखा हुआ है, और आप बिहार को भुखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ कांग्रेस के भी साथी हैं, लेफ्ट के लोग, तीनों पार्टियां हैं। हम लोग लगातार इस बात को भी हम लोग रखेंगे। आज मेरा वक्तव्य भी अभिभाषण पे होगा, आप याद कीजिए गवर्नर साहब के अभिभाषण को। क्या कहा था गवर्नर साहब ने? खरीद हो रही है एमएसपी के रेट पे, गवर्नर से झूठ बुलवा दिए ये लोगों ने, गवर्नर साहब से इन लोगों ने झूठ बुलवाया है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ी गंभीर हो, अपनी कुर्सी की चिंता छोड़े।